Hello, students. Welcome to City Online Classes. <coughs> this is Anjuli Singh, and I am teaching you Managing Human Resources, Semester 4th and Unit 4th. And lecture as I am 16th. सो so, जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोग अपना सेवन्थ पे कमीशन जो था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे सो so, हमारा जो सेवन्थ पे कमीशन था वो हाफ डिस्कशन हो गया था उसका थोड़ा सा हम लोगों का बाकी था जो कि आज हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे सो रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट अलाउंसेज पेड टू इंडियन रेलवेज ठीक है हम लोग अलाउंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आज कुछ हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि कुछ रिकमेंडेशन किए गए थे किसके कुछ इम्पोर्टेंट जो है अलाउंसेस थे जो कि पे किए गए थे किसको इंडियन रेलवेज के तो उसमें क्या है फर्स्ट देखें तो रेट्स रेट्स ऑफ एडिशनल अलाउंसेज हैव बीन इंक्रीज फ्राम फाइव थाउजेंड वन थाउजेंड टू सॉरी फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड टू पर मंथ टू कितना हो गया आपका वन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव टू टू थाउजेंड टू फिफ्टी तक ठीक है तो आपका कुछ एडिशनल जो रेट आपके एडिशनल अलावेंसेस थे जिनका जो रेट पहले क्या था जिसका रेट पहले पाँच सौ और एक हज़ार था पर मंथ अब उसका रेट क्या कर दिया गया एक हज़ार एक सौ पच्चीस से लेकर के दो हज़ार दो सौ पचास तक पर मंथ कर दिया गया मतलब उसे क्या कर दिया गया इनक्रीज़ कर दिया गया दिस हैज्सो बीन एक्सटेंडेड टू लोको पायलट गुड्स एंड सीनियर पैसेंजर गार्ड्स गार्डो एट पर मंथ है एक और आपका क्या था जो लोको पायलट गुड्स था एंड जो सीनियर पैसेंजर गार्ड्स का जो अलाउंसेस पे किया जा रहा था उसको भी क्या कर दिया गया इनक्रीज कर दिया है कितना सेवन फिफ्टी पर मंथ कर दिया गया इसके साथ में सेकेंड पॉइंट देखें तो इन व्यू ऑफ इंस्टर नेचर ऑफ द जॉब न्यू अलावेंसेज नेम ली स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर अलावेंसेज ठीक है क्या सा आपका न्यू अलावेंस कौन सा था स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउेंसेस फाइव थाउजेंड पर मंथ फॉर ट्रेन कंट्रोलर्स ऑफ रेलवेज हैव बीन है ठीक है तो जो ट्रेन कंट्रोलर्स थे उनके लिए क्या कर दिया गया एक स्पेशल जो है वो जो है अनाउंस किया गया वो अनाउंस वो अलावेंस कौन सा आपका ट्रेल कंट्रोलर अलावेंसेज जो कि कितना मिलने वाला था फाइव थाउजेंड पर मंथ ठीक है ओके नेक्स्ट आपका देखें तो क्या है हमारा रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट अलाउंसेस पेड टू नर्स एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ है ठीक है तो यहाँ पे क्या था रिकमेंडेशन किया गया किस चीज के लिए कि कुछ इम्पोर्टेंट अलाउंसेस थे जो कि पे किए जाए थे किसको नर्सेस को एंड मिनिस्ट्रियल स्टाफ को जो कि कहाँ पे है हॉस्पिटल में

ऑपरेशन थिएटर हैड अलावेंसिस इंक्रीज फ्रॉम थ्री सिक्सटी पर मंथ टू फाइव फोर्टी पर मंथ ठीक है एंड रेट ऑफ ऑपरेशन थिएटर अलाउंस था जो कि पहले कितना मिलता था पर मंथ अब कितना हो गया फाइव फोर्टी पर मंथ हो गया है नेक्स्ट देखिए सो रेट्स ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउेंसेज पेशेंट केयर अलावेंसेज हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2070 थाउजेंड से लेकर के 200 2100 पर मंथ से क्या हो गया आपका पहले आपका कितना था 2070 लेके सत्तर से लेकर दो इक्कीस तक पर मंथ मिलता था अब उसे इंक्रीज में कितना कर दिया गया इकतालीस सौ लेकर के पैंतालीस सौ तक सॉरी तिरपन सौ तक क्या होगा पर मंथ मिलेगा द सेवेंथ पे कमीशन रिकमेंडेशन मोडिफाइड टू द एक्सटेंट दैट इट विल बी ग्रांड टू मिनिस्टर स्टाफ ऑल्सो तो क्या था जो आपका सेवेंथ पे कमीशन था उन्होंने रिकमेंड किया कि क्या है जो मिनिस्टर स्टाफ है उनको भी ये सारे जो है वो मिले मोडिफाइड जो रेट से ये मिले तो वो क्या हो गए उसको परमिशन मिल गई नेक्स्ट देखें तो क्या है रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट अलाउेंसेस पेड टू पेंशनर्स है ठीक है तो क्या थे कुछ रिकमेंडेशन किया गया था किसके रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अलाउेंसेज थे जो कि पे किए जाए थे किसको पेंशनर्स को सो द रेट ऑफ फिक्सड मेडिकल अलावेंसेज फॉर पेंशनर्स हैज बिन इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ है ठीक है तो दिस विल बेनिफिट मोर देन 5 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स ठीक है आपका क्या था तो जो रेट ऑफ फिक्सड मेडिकल अलावेंसेज था पेंशनर के लिए उसको फाइव से इंक्रीज करके कितना कर दिया गया वन थाउजेंड कर दिया गया मतलब हम क्या करें? इसको डबल कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कम से पांच लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या हुआ कि इससे बेनिफिट मिला जो कि क्या अवेल कर रहे थे आपका सी पहले से अवेल कर रहे थे सो द रेट ऑफ कॉन्स्टेंट अटेंडेंस इज ग्रांटेड ऑन हंड्रेड परसेंट डिसेबलमेंट हैज़ बिन इंक्रीज फ्रॉम फोर्टी फाइव हंड्रेड पर मंथ टू सिक्स थाउजेंड सिक्स सेवन फिफ्टी पर मंथ है ठीक है तो आपका क्या था जो ऐसे पीपल थे जो कि हंड्रेड परसेंट डिसबलमेंट थे उनकी जो रेट थी उनको जो अलाउेंसेज मिल रहा था वो क्या हो गया जो कि पहले पैंतालीस सौ मिल रहा था वो कितना हो गया छः हजार सात सौ पचास हो गया पर मंथ नेक्स्ट तो देखिए हमारा क्या है दैट इज अलाउंसेज टू साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स ठीक है जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट के पीपल्स थे उन्हें कौन कौन से अलाउंसेज मिल रहे थे सो द रिकमेंडेशन ऑफ सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन टू अब इस लॉन्च कम्पेनियन अलावेंसेज एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अलावेंज हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड ठीक है तो आपका जो पे कमीशन था उन्होंने एक रिकमेंडेशन की थी कि जो लॉन्च कंपेनियन अलावेंसेज है और क्या है उसके साथ में जो स्पेस टेक्नोलॉजी अलाउंसेज है उसे क्या कर दिया जाए एबॉलिश कर दिया जाए उसे खत्म कर दिया जाए ठीक है लेकिन क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया इन ऑर्डर टू इंसेंटिव द सपोर्टिंग एम्प्लॉयज इन इन स्पेस एंड एनर्जी सेक्टर द रेट ऑफ लॉन्च कंपेनियन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अलाउेंसेज हैज बिन इंक्रीज फ्राम सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर एन एम टू अलैन थाउजेंड टू फिफ्टी पर एन एम ठीक है तो देखा जाए आपका जो आपका पे कमीशन था उन्होंने क्या रिकमेंड किया था उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि भाई लॉन्च कम्पेनियन अलाउंसेज एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अलावेंस को क्या कह दिया अबॉलिश कर दिया जाए मतलब उसे खत्म कर दिया जाए लेकिन जो गवर्नमेंट थी जो आपको उन्होंने क्या किया है इसको एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि उसके बजाय उन्होंने क्या कर दिया इसको जो पहले आपका जो एग्जिस्टिंग रेट पर पे किया गया था ना उससे इंक्रीज करके उससे क्या कर उस रेट को इनक्रीज कर दिया जो कि पहले क्या

उसको भी क्या हुआ यही बोला कि ये पीबी कंटिन्यू पे किया जाएगा उसको भी अबॉलिश नहीं किया जाएगा वो भी इंक्रीज रेट से और वो इंक्रीज रेट क्या था इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी पर है नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सेंट्रल पे कमीशन प्लेस्ड अंटार्कटिका अलावेंसेज पे टू द साइंटिस्ट एंड अदर द एक्सपेंडिशन टू

तो द रेट्स ऑफ एंटार्टिका अलाउेंसेज विल गो अप्राम वन थाउजेंड वन ट्वेंटी फाइव पर डे समर्स एंड जो समर में कितना मिलता है एक हज़ार एक सौ पच्चीस एंड आपका क्या है एक हज़ार छः पर डे मिलता है आपका विंटर में क्योंकि विंटर में ज़्यादा ठंडी होती है ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रहना एंड पंद्रह मिलता है पर डे समर्स एंड टू पर डे विंटर ठीक है तो जो पहले एक मिल रहा था समर में उसको कितना कर दिया गया पंद्रह कर दिया गया और जो पहले सोलह मिल रहा था विंटर में उसे कितना कर दिया गया टू कर दिया गया नेक्स्ट हम देखें तो अलावेंसेज पे टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है तो कुछ ऐसे हैं जिनको जो पोस्ट जो में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है उनको भी कुछ अलाउंसिस पे किए जाते हैं सो द रिकमेंडेशन ऑफ सेवंथ पे कमीशन टू अबोलिश साइकिल अलावेंसेज ठीक है so उन्होंने ये अबोलिश किया था कि साइकिल अलाउंसेज मिलती है भाई वो उसको क्या कर दिया जाए अबॉलिश कर दिया जाए ख़त्म कर दिया जाए ग्रांटेड मेनली टू पोस्टमैन एंड ट्रैक मैन इन रेलवेज हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड है ठीक है क्योंकि भाई जो पोस्टमैन होते हैं आपने देखा होगा जो पोस्टमैन आते हैं वो क्या होता है बेसिकली साइकिल से आते हैं तो उन ले गया था उनके स्पेशल अलावेंसेज मिलता था कौन सा साइकिल अलावेंसेज जो कि सेवेंथ पे कमीशन ने कहा कि साइकिल अलावेंस को क्या कर दिया जाए अबोलिश कर दिया जाए खत्म कर दिया जाए बट आपका जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उन्होंने कहा नहीं हम साइकिल अलाउंस को ख़त्म नहीं करेंगे ठीक है तो कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ दिस अलाउेंसेज फॉर पोस्टमैन इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ट्रेक मैन इन रेलवेज द साइकिल इज रिटेन एंड द रेट्स है फ्रॉम नाइन्टी पर मंथ टू वन एटी पर मंथ ठीक है तो उसे क्या हुआ उसे कैंसिल तो नहीं किया गया एंड उसे क्या किया उसके साथ साथ में उसे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उसे डबल कर दिया जो पहले नाइन्टी पर मंथ मिल रहा था अब उसे कितना कर दिया गया वन एट्टी पर मंथ कर दिया गया दिस विल बेनिफिट मोर देन टू ट्वेंटी टू थाउजेंड टू हंड्रेड एम्प्लॉयज है इससे क्या हुआ कि आपके जो है बाईस हजार दो सौ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हुआ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है वेज पॉलिसी है ठीक है

ठीक है तो वो ये करना चाह रही कि थी जो जो है, to secure living तो जो वो क्या है जो है जो वो क्या करे कि जो वर्कर्स हैं उनके एक लिविंग वेज को सिक्योर करे और वो ये सिक्योर करे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें क्या है इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे प्रोवाइड हो बट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रेमोनेरेशन फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू एंड द प्रोविजन ऑफ एडवोकेट लिविंग वेज विच आर आयोज ऑबजेक्टिव आर ये टू बी रियलाइज है ठीक है बट जो प्रिंसिपल था आपका इक्वल रेमोनरेशन का वो अभी तक क्या हुआ जो ऑब्जेक्टिव जो प्रोविजन था एडवोकेट लिविंग वेज का वो अभी तक क्या है आपका रियलाइज नहीं हो पाया अभी तक पूरा नहीं हो पाया है सो द वेज पॉलिसीज एंड डिटर्मिनेशन in india are influenced and guided by various forces such as three party machinery of government management and union representatives ठीक है तो क्या है जो आपकी वेज पॉलिसीज होती हैं जो गवर्न इंडिया में वेज पॉलिसी डिटर्मिनेशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो क्या होती हैं इन्फ्लुएंस होते हैं जैसे कि क्या है जो हमारे यहाँ का क्या है ट्री पार्टी मशीनरी है जिसमें कौन कौन सी पीपल्स होते हैं आपके गवर्नमेंट होती है मैनेजमेंट्स के रिकमेंडेशनस होते हैं एंड यूनियंस की डिमांड होती है ठीक है, है और उसके साथ में आपका क्या है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर्स हैं मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज होती हैं वेज बोर्ड्स होते हैं कमिटीज़ होती हैं एंड ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट्स होते हैं तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है वेज पॉलिसी के डिटर्मिनेशन में क्या करते हैं अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं ठीक है उनको इफेक्ट करते हैं सो अकॉर्डिंग टू ए एल क्रेस सजेस्टेड फोर फंडामेंटल फोर फंडामेंटल्स फॉर साउंड वेड वेज पॉलिसी है तो अकॉर्डिंग टू ए एल क्रेस की बात करें उन्होंने सजेस्ट किया कुछ चार फंडामेंटल्स थे जो कि क्या थे उन्होंने फोर साउंड वेज पॉलिसी के बारे में उन्होंने क्या किया था एक्सेप्ट जो है सजेस्ट किया था कुछ साउंड पॉलिसीज़ कौन कौन सी हैं सो द एडोपशन ऑफ आ फेयर वेज लेबल है उन्होंने so कहा कि क्या है आपको एक फेयर वेज लेबल को क्या करना पड़ेगा एडॉप्ट करना पड़ेगा एंड सेकेंड वन देखें तो क्या था द दस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेयर वेज डिफरेंशियल्स बिटवीन जॉब्स विद रिगार्ड टू स्किल एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई बात सही है कि जो स्किल है और जो एक्सपीरियंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या है जो डिफरेंट टाइप्स के जॉब हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करिए आप जो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स हैं उन जॉब्स में डिफ्रेंशिएशन करिए एंड जॉब के साथ साथ में क्या है कि उनका जो पे पे स्केल है उसमें भी आप क्या करिए डिफ्रेंशिएशन करिए उसके स्किल एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे द सेटिंग ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है एंड उसके साथ साथ में क्या है कि जो परफॉर्मेंस है उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को सेट किया जाए फोर्थ देखें तो द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी प्लान एंड जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसका आप क्या करें एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करें ठीक है कि मतलब जो प्लानिंग हो रही है उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो ये जो हो सके नेक्स्ट देखें So, A.L. Chris summarizes the silent points which should be covered in a wage payment policy. So, the general wage level should be at least equal to the prevailing wage level. फॉर सिमिलर वर्क इन द कम्युनिटी है तो जो जनरल वेज लेवल है वो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए प्रिवेलिंग वेज लेवल फॉर सिमिलर वर्क इन कम्युनिटी ठीक है तो जो अगर क्या है जहाँ पे क्या है कम्युनिटी में कोई सिमिलर वर्क हो रहा है तो सिमिलर वर्क के लिए क्या है सिमिलर वेज जो है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए एक जनरल वेज लेवल पहले से डिसाइड किया जाना चाहिए द वेज फॉर ई जॉब और ऑपरेशन इन द प्लान्ट शुड बी डिटर माइन रिलेटिवली विद अदर जॉब विद ड्यू रिगार्ड फॉर स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस फिजिकल डिमांड एंड हज़ार से ठीक है तो जो वेज हो रहा होता है हर जॉब ऑपरेशन के लिए ठीक है हर जॉब ऑपरेशन के लिए जो वेज डिसाइड हो रहा होता है प्लांट में वो क्या है वो डिटरमाइन होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग रिलेटिवली विद द अदर जॉब जो दूसरे जॉब से उनसे उनसे रिलेटिव करके उनसे उनसे रिलेट करके क्या कहना चाहिए वो वेज डिसाइड होना चाहिए विद जो रिगार्ड फॉर स्किल्स हैं जो स्किल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक्सपीरियंस हैं इनको कंसिडर करते हुए क्या होना चाहिए जो जॉब है का, का जो जो वेज है वो डिसाइड होनी चाहिए इंडस्ट्रियल और ग्रुप एफर्ट शुड बी रिवॉर्डेड थ्रो द यूज़ ऑफ एन इंसेंटिव मेथड ऑफ वेज पेमेंट है वर सच एज अ प्लान कैन बी अप्लाई ठीक है तो क्या है आपके जो इंडस्ट्रियल और जो ग्रुप एफर्ट होते हैं जो ग्रुप एफर्ट किए जा रहे होते हैं उनको क्या कहना चाहिए रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाना चाहिए उसके लिए कैसे इंसेंटिव मैथड्स को यूज़ करके नेक्स्ट देखें तो फेयर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी सेट विच कैन बी रीजनेबल एंड कंसिस्टेंटली अटेंड है ये आपके जो परफॉर्मेंस है उसके लिए एक फेयर स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए जो कि क्या हो अटेन करना रीजनेबल हो ठीक है जिसे आप जिसको अटेन करना इसको अचीव करना क्या हो रीजनेबल हो एंड अ रीजनेबल नॉर्मल वर्क वीक शुड बी अडोप्टेड है और क्या है जो वर्क काम करने का एक जो वीक है जैसे आपका क्या होता है कि वीक में क्या है फाइव डेज काम करना या सिक्स डेज वर्क करना ठीक है वो अडॉप्ट करना चाहिए विद अ स्टेबल ओवर टाइम पीरियड है। और साथ में क्या चाहिए कि अगर कोई कर रहा है तो उसको प्रीमियम प्रोवाइड करना चाहिए एंड एम्प्लॉय शुड बी कंपनसेटेड फॉर वेटिंग टाइम ड्यू टू रीजन देयर कंट्रोल है ठीक है और अगर कोई एम्प्लॉय क्या हो रहा है किसी टाइम के लिए क्या कर रहा है वेट कर रहा है तो क्या है उसे क्या होना चाहिए उसे कंपनसेट किया जाना चाहिए एंड फुल इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू एनी इम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग द वेज पेमेंट पॉलिसी और प्लान है ठीक है तो वेज पेमेंट्स और पॉलिसी और प्लान रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्लॉय को क्या देना चाहिए प्रोवाइड की जानी चाहिए मैनेजमेंट शुड डिस्कस विद एम्प्लॉयज देशनल वेजेस द कम्पिटिशन ऑफ अर्निंग और दिखे तो क्या है जो मैनेजमेंट है उन्हें क्या है कि एम्प्लॉयज सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए जब भी वो रिक्वेस्ट करें ठीक है जब भी इंप्लॉयज क्या व्हेनेवर रिक्वेस्टेड जिसके आज जो स्टैंडर्ड है वो अगर सेट किया जा रहा है तो उसे क्या किया जाना चाहिए एम्प्लॉयज से डिस्कस किया जाना चाहिए कोई भी स्टैंडर्ड सेट करने से पहले क्या टाइम स्टैंडर्ड वर्क परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो भी स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा हो तो उसे सेट करने से पहले क्या है जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनसे वो क्या करना चाहिए डिस्कशन किया जाना चाहिए द फिक्सिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल वेजेस और क्या है ऑक्यूपेशन का जब वेजेस जो है डिसाइड किया जा रहा हो फिक्स किया जा रहा हो तो ऐसा नहीं है उसे अपने मन से फिक्स कर लेना चाहिए उसके लिए क्या है पहले एम्प्लॉयज से भी क्या किया जाना चाहिए डिस्कशन किया जाना चाहिए कि वो किस वेज रेट पे सेटिस्फाइड है उन्हें कितना वेज रेट चाहिए ठीक है ये भी एक डिस्कशन होना चाहिए एंड द कम्पिटिशन ऑफ अर्निंग्स है और जो अर्निंग्स हैं उन्हें कंप्यूट किस तरह से किया जाए ठीक है क्या मेथड फॉलो होगा ये सब चीज़ें इंप्लॉयज़ को पहले बतानी चाहिए और द स्टैंडर्ड्स हैं ठीक है और जो भी स्टैंडर्ड वो डिसाइड कर रहे हों इसके साथ में क्या है कंप्लेंट्स अराइजिंग फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ एनी पेमेंट प्लान शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एडजस्टेड प्रॉपर्ली और अगर कोई भी कंप्लेंट जो है वो अराइज हो रही होती है ऑपरेशन के टाइम पे काम करते टाइम पे तो क्या है उसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और उसे जल्द से जल्द क्या करना चाहिए प्रॉपरली एडजस्ट किया जाना चाहिए नेक्स्ट देखें तो आर्ली वीक एंड एनुअल अर्निंग शुड बी सिस्टेमेटिकली एनालाइज्ड एंड स्टूडेंट एज अ एज अ बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन बाय मैनेजमेंट है ठीक है तो जो आर्ली एंड वीकली जो एनुअल अर्निंग्स है ठीक है जो आर्ली एंड वीकली और जो एनुअल अर्निंग्स है उन्हें सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड किया जाना चाहिए और उन्हें क्या है कॉन्ट्रेक्टिव एक्शन लेना चाहिए मैनेजमेंट के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें ठीक है थर्ड उसके साथ में देखें तो द रेज ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थ्रो बेटर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन है ठीक है तो आपका क्या है जो ये जो आपके अगर आप एक बेटर स्ट्रक्चर एक बेटर वेज पॉलिसी लेकर के चलते हैं तो जो आपके इम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी क्या है जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होती है वो ऑटोमेटिक रेज हो जाती है अगर आप अच्छी ट्रेनिंग एंड अच्छा सुपरविजन प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी क्या है जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो जाती है तो इस्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट है और क्या है एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिस करने की कोशिश की जानी चाहिए सो so, स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग इतना ही रखते हैं आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे Thank you.